खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को आजादी नहीं मिल रही है। आज भी दबंगों सहित गांव का मुखिया हर छोटी सी छोटी बातों पर गरीब परिवार का हुक्का पानी बंद कर छूता से व्यवहार करने से नहीं चूक रहा है। वहीं बलौदा बाजार जिला के कसरोल जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम धौरा घाट के भाटा के चार अलग अलग परिवारों में सरपंच और ग्राम प्रमुखों की बात न मानने की सजा मिल रही है। वहीं परिवारों का हुक्का पानी बंद करने कर दिया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार में कभी जिला मुख्यालय तो कभी अनुविभागीय अधिकारियों तो कभी थाने की चक्कर लगाते फिर रहा है। आखिर सजा देने का अधिकार सरपंच या गांव के चिन्हित व्यक्तियों को दिया गया, जिनसे पूरे मामले में नायाब तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी से चर्चा करने की बात कही है। साथ ही पीड़ितों को जल्द न्याय भी दिलाने का आश्वासन दिया गया है। मोर गांव ग्राम धौरा भाटा है। मैं बैठक में गए हैं सरपंच दिनेश्वर और चतुर ए मान का थे मोला बोलिन कि ते बैठक में काब नहीं आज। तो भाई बैठक में मैं काब वहाँ कि मैं जगमोहन और फलाना ढिकाना तेज चला थे तो मैं यहाँ नहीं आए तो ते यहाँ काब नहीं आज। अब मोला चारों कोतले मन मोला ताना मारिन कि ऐसे 5-15 कह के तब मैं कहें कि भाई ते गौठान में काब दस्खत नहीं करे ऐसे कह के मोला कही और चारों मुड़ल मोला सेक लिन और गाँव ले चार भाई है और तीन झा मोर संग में वो मल्ला तीनों ला चारों ला बाई कार्ड सोड़ दिन पूरा नाव धोबी। हाँ, हमारे पास अभी एक ज्ञापन आया है जिसमें धौरा भाटा ग्राम से कुछ महिलाओं ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि ग्राम प्रमुखों ने कुछ 4-5 व्यक्तियों को ग्राम से बहिष्कृत कर दिया गया है। ये ज्ञापन मैंने SDM साहब की ओर से लिया है। इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और किसी भी व्यक्ति को किसी भी ग्राम से बहिष्कृत करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी। हुक्का पानी बंद नहीं किया है, वो मामला ये है कि गांव कम गांव वाले मैटर है, उसमें क्या है कोई भी चारवाहा या देवधामी के लिए पैसा उन लोग नहीं दे रहे है, इसी कारण गांव वाले लोग उन लोग को थोड़ा सा वे किया है। और उसमें हुक्का पानी वाले बात नहीं है, उसमें तो बोरिंग वोरिंग दुकान वानी पानी सब में जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पूर्व IAS नीता चौधरी के अनुभव बेजो। मैंने 50,000 लोगों को उस साल लोन दिलवाया, 50,000। बेधड़क अंदाज और सरकारों की खोली पोल। शशिकांत भटनागर ने कहा चुप रहो, पूरी यूपी की उसने नाक बचा दी। चुटीले सवालों पर नीता के असरदार जवाब। मुलायम सिंह यादव जी ने उन्होंने कहा था जितने पैसे चाहिए ले लेना, गांव वालों ने सारा काम खुद ही कर दिया, कौन से पैसे चाहिए। शनिवार रात 9 बजे देखें पूरा इंटरव्यू सिर्फ K News India पर। K News की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की जीवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार दौरे पर है CM धामी। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां हरिद्वार दौरे पर CM पुष्कर सिंह धामी ज्ञान दीक्षांत समारोह में CM धामी पहुंचेंगे। शांति कुंज स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में पहुंचे CM धामी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है ज्ञान दीक्षांत समारोह, जिसमें CM धामी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर है CM पुष्कर सिंह धामी।
शांति कुंज स्थित देव संस्कृति विद्यालय कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम धामी। ज्वालापुर स्थित गणेश महोत्सव पूजन में भी की शिरकत। उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की सीएम ने की है कामना। आप गणेश महोत्सव की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी गणेश महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में अंबागढ़ चौकी जिले के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय लाल श्याम शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनका पुण्य स्मरण भी किया। यह स्वर्गीय लाल श्याम शाह जैसे आदिवासी नेता के आदिवासी हित के लिए किए गए कार्यों का सम्मान भी है। जब मुख्यमंत्री स्वर्गीय लाल श्याम शाह की प्रतिमा का माल्यार्पण करने पहुंचे तो लोगों के लिए ये भावुक क्षण था। पूर्वजों का सपना सच हुआ है, नए जिले के माध्यम से विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। नए जिले के बहुत बहुत बधाई। मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला बना 29वां जिला, छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में एक और जिला, और कल दो और जिले सारंगढ़ और बिलाईगढ़, आपके खैरागढ़ और गंडई और छुई खदान, ये भी जिला अस्तित्व में आ जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जनता के पहुंच में होगा, जिसमें आसानी से लोग काम करा सकेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, लोग ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ से भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का दौरा जारी है, उसी कड़ी में उन्होंने बलरामपुर का दौरा भी किया। वहीं जिले के राजपुर विकासखंड में भाजपा के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस सरकार ने हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी का वादा किया था, आज वही सरकार शराब की होम डिलीवरी कर रही है और सड़कों का हाल इतनी ज्यादा खराब है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह बताना मुश्किल है। जिम्मेदार पद पे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के, राज्य सरकार के मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री जी को ऐसी हल्की बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने माखोल उड़ाया कि खराब सड़कें रहेंगी तो दुर्घटनाएं कम होंगी। शराब का उन्होंने समर्थन किया। जो पार्टी कांग्रेस ने कहा था विधानसभा चुनाव के पहले गंगा जल उठाकर कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी तो हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। शराब की हो रही 75 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को आजादी नहीं मिली है। आज भी रस दबंगों गांव का मुखिया हर छोटी से छोटी बात पर गरीब परिवार को हुक्का पानी बंद कर अछूता से व्यवहार करने से नहीं चूक रहा है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल जनपद की पंचायत अंतर्गत ग्राम धौरा भाटा के चार अलग अलग परिवारों की, जहां सरपंच और गांव प्रमुखों की बात न मानने की सजा कुछ इस तरह मिली कि हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। वही पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार में कभी जिला मुख्यालय तो कभी अनुविभागीय अधिकारी तो कभी थाने की चक्कर लगाते फिर रहे हैं। हाँ, हमारे पास अभी एक ज्ञापन आया है जिसमें धौरा भाटा ग्राम से कुछ महिलाओं ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि ग्राम प्रमुखों ने कुछ 4-5 व्यक्तियों को ग्राम से बहिष्कृत कर दिया गया है। ये ज्ञापन मैंने SDM साहब की ओर से लिया है। इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और किसी भी व्यक्ति को किसी भी ग्राम से बहिष्कृत करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी।